ड्राइवर ने पी रखी थी, जैसी वीडियो ऑन करी तो छुप हो गया, कह रहा सर सर। तो भी घर का छोटू चाय बना रहा है, ये घर पे लगे मैं चुप करके आग भैया बने से। आज पड़ा था मैं ला 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 सुनो सुनो हम 33 वर्ष मैं क्या हुआ सा शीशे के शो को लगे हुए घर वाले और एक लड़की बैठी हुई लेडीज तो मेरे सेब के रानी कितने पैसे लगे हैं अरे तो किराया किससे लेंगे, वो हमसे ही तो लेंगे किराया, उनका किराया बिजली का बिल 10 एम्प्लॉई रखे उनका खर्चा सब हमसे ही तो लेंगे। वो तो छोटी जगह पे जाता ही नहीं है। हाँ जी, तो मित्रों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। गर्मी की बहुत कड़क दोपहर पड़ रही है और मैं पापा के साथ जा रही हूँ मशीन का ढक्कन ले गए, इसमें कुछ ख़राबी है तो उसको ठीक करा के लाना है। ज़िंदगी में भी ख़राबी है, वो कहाँ से ठीक होगी कमेंट करो। धूप है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, सर पे टोपी आँखों पे चश्मा लगा लो। बात तो सही है। बस गर्म पानी में एक चम्मच मिलाओ, ये बंद नाक को जल्द खोले और गले की खराश को दूर कर खांसी से राहत दिलाए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं होनी पढ़ाई? अबे साले, गलत कमेंट करने वालों के दिमाग के पेज गिर गए थे, मिल गए हैं, वापस दे दूंगी सबको। पिया हुआ था उसने, ड्राइवर ने पी रखी थी, जैसी वीडियो ऑन करी तो छुप हो गया, कह रहा सर सर, नहीं तो कुछ और बोलता वो। गाइस केला नंगा हो गया, हो सेम सेम। अबे साले, चीनी कम है, चीनी कम है, कम कम, 2 3 4 5 6 7 8। बनाने बैठे बनाना से एक लाइट ही नहीं आ रही है। अब तुम इंतजार करो, जब लाइट आएगी तब तुम्हारा उद्घाटन होगा। भाई एक तो घर वालों की भाषा कोई नहीं समझ सकता। पापा ने कहा थिनर लेके आ, इसको कहते हैं थिनर, इसके ऊपर लिखा भी है, ठीक है, नेल एनेमल क्लीनर, ये थिनर होता है, ये लेके गई तो कहते हैं नहीं ये चाहिए, इसको कहते हैं तारपीन का तेल। तो अभी घर का छोटू चाय बना रहा है। मेरे व्लॉग्स में जब मैं घर के बनाती हूँ तो यही सब दिखता है, कभी काम कर रही हूँ, कभी झाड़ू मार रही हूँ, कभी चाय बना रही हूँ, कभी खुद के लिए कुछ नाश्ता बना रही हूँ। जीवन में बस यही बनाना रह गया है, हम पैसा कब बनाएंगे? पता है मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, व्लॉगर्स देखे हैं जो बड़े एक्साइटमेंट से बात करते हैं, सो ही गाइस, मतलब अपना ना वो वे बदल देता है बोलने का। अब जैसे एक तरीका है, मैं अभी चाय बना रही हूँ, अब दूसरे व्लॉगर्स का तरीका क्या होता है? तो अभी भैया ऐसा है कि हम तो बना रहे हैं चाय, मतलब उसमें वो लोग ना थोड़ा मसाला छिड़क देते हैं, पर मेरे को वो करने में ना अच्छा लगता है, मेरे को लगता है जैसा मैं बोलती हूँ, जैसा मैं सिंपल रहती हूँ वैसे ही बनाऊँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा ओवर एक्टिंग मेरे पे होती नहीं है, मेरे पे 50 रुपये भी नहीं है जो कोई मेरे 50 रुपये काट ले ओवर एक्टिंग के। जब चाय या पानी गैस पे उबलता है तो पानी भी सोचता होगा, अगर बीच में ये बर्तन ना होता तो आग को बता देता। मेरे पापा का रेडियो स्टेशन हमेशा चालू रहता है। भाइयों बहनों, मौसम हो रहा है बारिश का, ये देखो घटा का मौसम हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही, लेकिन एक भवका सा निकल रहा है जो बारिश से पहले होता है। अभी ये सारे कपड़े इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, पहले इसको उठा के वहाँ रखते हैं, रख दिया। अभी ये सारे कपड़े इसमें ट्रांसफर, ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट।
अरे रुक जा के नागमणी लेके जाएगा पूरी। हाँ हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। बाकी एक बात सोचने वाली है, जो कि जब इंसान खत्म हो जाते हैं, जब इंसान मर जाते हैं, तो हम उनकी याद में कंबल डोनेट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि का एक दिन रखते हैं। लेकिन जब वो इंसान जिंदा होता है तब उसको इसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक मैं हूँ, मुझे चाहिए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मेरे से आके करे कि हाँ भाई तुम ये काम अच्छा कर रहे हो। अगर किसी को मेरे बारे में कोई बुरी बात पता है तो वो मेरे बारे में बुरा कहे मेरे आगे आके, ताकि मैं उस बुराई को सुधारूँ। मरने के बाद इंसान क्या तो सुधार लेगा और क्या तो संवार लेगा, है ना। तो जीते जी कदर करो, मरने के बाद तो सभी कहते हैं खत्म।